तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर 2020 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसकी फोर साइड्स है और उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। एक सर्कल ड्रॉ किया गया है इसके अंदर और हमें प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ये प्रूव करना है हमें। तो हमें कुछ इसमें चेंजेस, कुछ इसमें हमें अपना कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो बेसिकली कुछ नहीं करना, हमें एक असाइन करना है, ये लेबल देना है। ये जो सेंटर है इसकी, ये जहाँ टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल उसके एजेस पे, इसके क्वाड्रिलेटरल के एजेस पे, उसको हमें मार्क करने पड़ेंगे और उसको लेबल नेमिंग देनी पड़ेगी। तो बेसिकली इसे मैं देता हूँ एम, इसे देता हूँ एन, इसे ओ और इसे पी। एंड देन गाइस, इसके बाद आपको करना क्या है, पता करना है कि कौन सी साइड किसके बराबर होगी। ठीक है, सो लेट मी चेक आउट। सो कैसे करना है, सो आप देख सकते हैं इसमें कि जो ए एन है, ए एन है एंड ए एन है, दोनों टेंजेंट है सर्कल पर, एक कॉमन ए के पॉइंट पे। सो मतलब क्या है, आर सॉरी टेंजेंट, टेंजेंट टू सर्कल मतलब क्या है, टेंजेंट क्या होता है, जब एक कॉमन पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो दोनों टेंजेंट के जो साइड लेंथ होती है वो बराबर होती है। मतलब क्या है, ए एन इक्वल टू ए एम। ऐसी गाइस ए डी एम और डी पी, ये दोनों बराबर होगी। तो लिख लेते हैं डी एम और डी पी। सो मतलब क्या होगा, डी पी इक्वल टू डी एम। एंड गाइस ये ध्यान रखना है कि एम एम वाले एक साइड आनी चाहिए और दूसरे जो सेंटर बना रखे हमने वो सारे एक एक साइड आनी चाहिए जिससे हम बाद में से एडअप कर सके। तो अब क्या करना है, आगे करते सॉल्व क्वेश्चन को। सो दूसरा क्या है, अब और देखते हैं कौन सी एजेस बराबर होती है, कौन सी टेंजेंट बराबर होगी। अब होगी सी पी इक्वल टू सी ओ, तो सी पी वाले को इस साइड रखना है और सी ओ हो जाएगा ये। अब होगा बी ओ इक्वल टू बी एन, एंड गाइस बी एन आपको यहाँ दे रखा है तो बी एन को बी एन की साइड रखना है, एन वाले की साइड रखना है। सो और ये हो जाएगा हमारा बी ओ, और ओ वाले को ओ की साइड और बी एन वाले को एन की साइड, पी वाले को पी की साइड, एन वाले को और एम वाले को एम की साइड, जिससे आपको बाद में एडअप कर सके उससे। तो अब क्या करना है हमें, जो सारी इक्वेशन है इनको एडअप कर देंगे। तो इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री, इक्वेशन फोर एंड एड इक्वेशन वन टू थ्री एंड फोर। तो क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वाले एक साइड ऐड हो जाएंगे और राइट हैंड साइड वाले एक साइड ऐड हो जाएंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए एन प्लस डी पी प्लस सी पी प्लस बी एन, ठीक है। और दूसरी साइड क्या आएगा, ए एम प्लस डी एम प्लस सी ओ प्लस बी ओ, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब क्या करना है आगे, आपको ए एन वाले को एक साइड लेना है, तो ए एन और बी एन को एक साइड ले लेते हैं। तो क्या बन जाएगा, ए एन प्लस बी एन, ठीक है, उसको ब्रैकेट दे देते हैं और डी पी प्लस सी पी, ठीक है, इनको ऐड कर देते हैं अलग से। और ए एम प्लस डी एम को एक साथ ले लेते हैं और बी ओ प्लस सी ओ को एक साइड ले लेते हैं। अब देखने हैं फिगर में है कि ए एन प्लस बी एन क्या है, ठीक है। तो ए एन प्लस बी एन क्या है गाइस, ए बी, ठीक है। मतलब क्या बन गया ये हमारा, ए बी। ऐसी अगर आप फिगर में देखोगे तो डी सी प्लस सी पी क्या होगा हमारा, सी डी, ठीक है। और इसमें ए एन प्लस बी एन क्या होगा हमारा, ए डी, और बी ओ प्लस सी ओ क्या होगा हमारा, बी सी। और देखते हैं हमें प्रूफ क्या करना था, लेट मी चेक। ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, मतलब इसे आगे पीछे कर लो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है एडिशन की। तो क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्या हो गया, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस, सॉरी इसे आगे लिखते हैं, बी सी
प्लस ईडी। एंड गाइस यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व 25 क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन ऑल्सो कैरीज 2 मार्क्स। सो लेट मी शो यू क्वेश्चन पेपर। सो इसमें एक और ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर दिखा दूंगा आपको। उसके बाद है एक स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन, उसके बाद है एक वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का क्वेश्चन। सो इसे सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज़ सब्सक्राइब यार, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज उसी की वजह से मैं मुझे मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज सब्सक्रिप्शन नहीं मिलते तो थोड़ा मज़ा नहीं आता वीडियो बनाने में। और लाइक करें वीडियो को। बाय बाय।